लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला देखने लाई सब्सक्राइब करो चैनल पंजाब ते प्रेस करो बेल आइकन। मैं जो नोमीनेशन भरे से मैं डीसी साहब को बेनती की कि मैं जो गनमैन का खर्चा नहीं पल चल सकता इस करके मैं गनमैन की लोड़ नहीं क्योंकि मैं लोगों तो खतरा नहीं। विरोधी धिर की अफवाह ही है क्योंकि वो एक गरीब रेडियो वाले तो भी डर रहे हैं क्योंकि मेरे को सच है मेरे ते अगर मैं बन गया तो इन्हें मेरे रेहड़ी फड़ी वाले की हवा वाल कोई झाक नहीं सकता। लोक सभा चोणां दे चलदे सियासी लीडरां वल्लों अपने अपने उम्मीदवार चोण मैदान च उतारे जा रहे ने ते गल कीती जावे लुधियाणा दी तां उधर रविंदर पाल जो कि मिस्टर सिंह फूड किंग दे नां वजों जाणे जांदे ने जिन्हां दी बर्गर दी रेहड़ी है उह चोण मैदान च उतर गए ने। दस दें कि नामजदगी भरन तों बाद नियम मुताबक रविंदर पाल सिंह नूं सुरक्षा लई चोण अधिकारियों वल्लों गनमैन मुहैया करवाए गए हैं जो कि गिणती वाले दिन तक उन्हां दे नाल रहणगे। उधर पत्रकारों वालों पूछे गए सवाल के सोशल मीडिया से गल चल रही है कि वह गनमैन लई ही चोण मैदान से उतरे ने तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि गनमैन मिलन नाल उन्हां दियां मुश्किलां काफी वध गईआं ने क्योंकि गनमैन रखण नाल उन्हां दा खर्चा भी काफी वध गया। तुसीं भी सुनो गनमैन रखण नाल बाबा जी बर्गर वाले नूं की मुश्किलां आ रहीआं ने। बिल्कुल जी गनमैन लैण लई कोई इहो जिहा चक्कर नहीं हैगा ते मैं जदों नोमीनेशन भरे सी मैं डीसी साहब नूं बेनती कीती सी कि मैं जिहड़ा गनमैन दा खर्चा नहीं पल चल सकदा इस करके मैनूं गनमैन दी लोड़ नहीं क्योंकि मैनूं लोकां तों खतरा नहीं। लोक मैनूं प्यार करदे ने मैं जित्थे भी जांदा कंपेनिंग करन लोक मैनूं चाह पानी रोटी पिया के भेजदे आ जबकि यहोजे लीडर देखे जिन्होंने घरे गया लोग छित्र मारते हैं तो इस करके मैं लोगों को बहुत प्यार मिलता है इस करके मेरी किसी ने दुश्मनी भी नहीं तो मैं किसी को खतरा भी नहीं। मैं उन्होंने बेनती की गनमैन ना दो लेकिन वो कहते साड़ी मजबूरी है सानू गनमैन देने पैने इस करके मैं इन्होंने वीर अपने नाल जिन्हें दिन साडा रब ने सहयोग जोड़िया असं इकट्ठे रहेंगे तो सगो मैं यदा खर्चा ही पै रहा वा 5,000 रुपये महीने तो मैं इन्हें कमरा लिया वा जिदा कि इन्हों कोई प्रॉब्लम ना आए क्योंकि वैपन वगैरह इन्होंने को होंगे ने तो इस करके होर भी काफ़ी रोटी का खर्चा मेरा वधिया ही है तो आन जान का खर्चा अगे मैं अपनी एक्टिवा तो रेहड़ी का समान लेके आता हूँ मैं स्पैशल आटो करना पैंता क्योंकि एक्टिवा तो मेरे ना बैठते हैं इस करके आटो का मैं रोज़ एक बस का 200 रुपया 400 रुपया रोज़ का मैं आटो का खर्चा पै रहा सिर्फ रेहड़ी तो समान लिया जो कि मेरे वास्तव बहर है तो इस करके कोई यहोजी लोगों के विरोधी धिर की अफवाह ही है क्योंकि वो एक गरीब रेहड़ी वाले तो भी डर रहे हैं क्योंकि मेरे को सच है मेरे। इस दे नाल ही उन्होंने एजुकेशन माफिया नूं भजाउण दी गल भी कीती ते नाल ही जित तों बाद पीजे हस्पताल लुधियाणा विच लियाउण दा दावा भी कीता। मुद्दे मेरे यही है जी एजुकेशन माफिया दे उत्ते जिहड़ा बहुत तगड़ा कब्जा हो चुका है ते मैं उस एजुकेशन माफिया नूं जिहड़ा मैं भजावांगा इत्थों अपने प्यारे लुधियाणे दे विच लोकां दी मैं जिहड़ी मदद करांगा एजुकेशन माफिया नूं भजा के मैं इत्थे लुधियाणे दे विच अपने सरकारी स्कूलों नूं अपग्रेड करांगा तां जो लोकां नूं अपने बच्चों नूं सरकारी स्कूलों च भेजण दे माण महसूस करन और हैल्थ माफिया दे मैं भजावांगा जिहड़े गरीब लोग इलाज नहीं करा सकते इन्हां प्राइवेट हस्पतालां च महंगा तो मैं लुधियाने विच परमात्मा कृपा करे जित तो बाद मैं पीजीआई हस्पताल लुधियाने विच लैके आवांगा तां जो लोकां नूं इन्हां हैल्थ माफिया दी जिहड़ी लुट दा शिकार ना होना पवे। इस तों इलावा मैं डेंगा दे विच जिहड़ा डेंगा वाले गंदा पानी तेजाबी पानी जिहड़ा उह सतलुज दरिया च पा रहे ने उस नूं रोकांगा क्योंकि उहदे नाल घर घर कैंसर पहुँच रहा तो मैं अपने पंजाब नूं सोहणे पंजाब नूं कैंसर सूबा बनने तो बचावां। दूजे पासे बाबा जी बर्गर वाले ने सारे उम्मीदवारां नूं झूठ दा पुलंदा दसदिआं सारिआं नाल चोण लड़न दी गल आखी है। फाइट सारिआं नाल ही है जी क्योंकि सारे जिहड़े उम्मीदवार ने झूठ दे शिकार पुलंदे ने इहो जिहे इत्थे दो भरा ने जिन्हां नूं संगत ने दो वारी MLA बनाता उह 10 सालां दे विच दोनों भरा अपने हलके दे विच टुट्टियां होईआं सड़कां टोए गंद दे ढेर अते उस तों इलावा गंदे पानी जिहड़े छप्पड़ बने उहनां दे दक्खणी एरिए च उह नहीं ठीक करवा सके तो मैं उस तो अलावा साढ़े 5 साल MP रहे ने मौजूदा वो 5 साल उन्होंने शहर में एक कूड़े डंप बना के रखता शहर के थां थां गंदे ढेर लगे फिर पता नहीं किस मूँह के नाल वो अपने वीर मेरे अपने बोर्ड लवा रहे ने प्रचार के भी असं बहुत विकास करता अगर कूड़े के ढेर विकास कहते हैं तो मैं समझता कि लुधियाना वासी इस विकास को नहीं पसंद करते तो वो इस बार इन्हों भजाणगे। मैं सवेरे 6 बजे उठ के 5 बजे उठता इनान करता परमात्मा का नाम लेना नेत्रम करता जी उस तो बाद मैं अपने इन्हों वीर मैं प्रचार से 6 बजे निकलता कबिंडी तो 6:15-6:30 ठीक है जी तो सवा छे बजे निकल के फिर मैं शामी 3-4 बजे तक प्रचार करता वा तो उस तो बाद असं घर जाने रोटी खाने फिर दोबारा उस तो बाद रेहड़ी का समान लैके वापस आने असं रेहड़ी से आने
ਅਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਰੇਹੜੀ ਫੰਡੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਰਗਰ ਵਾਲੇ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਨੁਪਮ ਮਹਿੰਦਰੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ। It's cool to be Punjabi.